नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूँ आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4 दीवाना भी हस्ती कविता का मीनिंग को समझेंगे, जिनका कवि है भगवती चरण वर्मा। और चैप्टर 3 या 4, 5 का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसको भी आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, मैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने यानी स्वाधीनता सेनानी। मस्ती का मतलब हो रहा खुशी, आलम का मतलब होता है संसार, धूल यानी मिट्टी, उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता और आंसू का मतलब होता है अश्रु। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि देश पर मर मिटने वाले वीर मस्त मैला स्वभाव के होते हैं, वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां भी जाते अपने जोश से वातावरण में खुशी का बिखर देते। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने हेतु तो सदैव तैयार है। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के समझ हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो आज यहाँ और कल वहाँ, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देंगे वहाँ हमारे जोश से पूरे खुशी और हर्ष छा जाता है, और अचानक जब जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसू में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए अचानक अभी चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्र सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और का मतलब हो रहा तरफ, एक तरफ, और जग का मतलब होता है संसार दुनिया, और छक्कर का मतलब हो रहा जी भर कर, सुख दुख यानी जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव यानी एक रूप एक रस। इस पदांश में कवि ने बताया कि स्वतंत्रता की राह है तो बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है, वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं, जी भर कर सुख दुख के अनुभव को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने से उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भीख मंगो का मतलब हो रहा भीख मांगने वाला, स्वच्छंद का मतलब हो रहा स्वतंत्र बंधन रहित, निशानी सी का मतलब हो रहा निशानी, उर का मतलब हो रहा हृदय, असफलता का मतलब चाह के अनुरूप जो प्राप्त ना हो सके, बात का मतलब होता है बसना, स्वयं का मतलब हो रहा अपना खुद, बंधन का मतलब हो रहा बेड़िया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार को भीख मंगा कहा है क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना उनकी प्रकृति नहीं है, लेकिन बलि वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं, उनके हृदय पर एक ही असफलता का निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने वाला के बावजूद भी स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, बलिदानी वीर के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति वर्ग संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, वे यही चाहते हैं कि
उनके बाद इस संसार में देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहे। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ता नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है। कभी बेफिक्र जीव भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षण में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। भिखमंगों की दुनिया में विरोध प्यार लुटाने वाले कभी ऐसा क्यों कहा है। अपने हृदय का सफलता पर एक निशान भर लेकर जा रहा है, वह निराश है या प्रसन्न। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि वह दुनिया केवल ले जाने जानती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार देना, इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने वाले असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषय में उलझी हुई है, इसे लगता है कि कवि निराश। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर इसमें बेफिक्र और मस्ती जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। भाषा की बात, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द सोचकर लिखे, जैसे हंसकर, गाकर, पीकर, मुस्कुराकर, देखकर, मस्त होकर, सरा बोर होकर।